अरे जब इधर ओरिजिनल है ही तो डुप्लीकेट का कोई जगह है। जान लीजिए सिवान की जनता जानती है कि वो भगवान नहीं है, वो AK-47 है। जनता इस बात में लोगों को मजबूर कर दिया इसी रंग में आने के लिए। धीरे धीरे देखिएगा सब क्या क्या लोग बोल रहे थे, आज भाषा बदल गई है। कोई AK-47 वाला नहीं रहता है यहाँ, तो सब गांधी के विचारों पर और सावरकर के विचारों पर चलने वाले। AK-47 वाले थोड़े लोग हैं, जमीन के कारोबार करने वाले इधर नहीं हैं, यहाँ न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और वहाँ अन्याय की सारी ताकतों को सिवान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है किसी भी कीमत। जनता जानती है कि सिवान में क्या क्या हुआ 2005 के पहले। भाजपा का झंडा तक टांगने नहीं दिया जाता था। भाजपा का झंडा टांगने के चलते ओमकार मल की हत्या किसने की, सब सिवान की जनता जानती है। और पाई पाई का हिसाब होगा इस चुनाव में। जो घमंड है, जो अहंकार जो वहाँ चल रहा है, सब अहंकार दूर हो जाएगा निश्चित। देखिए हम जनता से आशीर्वाद मांगने के लिए निकले हैं। हम इस वार्ड में जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ तमाम NDA के साथी हैं, बंटी जी हैं, अनुराधा गुप्ता जी हैं, पूनम गिरी जी हैं, शैलेश मुखिया जी हैं, देवेंद्र जी हैं और रामलाल शाह जी हैं, सब सोनू सिंह जी हैं, सब अगुआ साथी भाजपा के, जनता दल यू के सभी साथी हैं और सब लोग मिल करके हम लोग डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को देश में फिर से प्रधानमंत्री बनाया जाए, उनके हाथों को मजबूत किया जाए और NDA की सरकार बने और अब की बार 400 पार का नारा साकार हो। आपने मंदिर में माथा भी टेका है, क्या लगता है भगवान का आशीर्वाद इस बार पूरी तरह से मिलेगा? पूरा पूरी भगवान, सब भगवान हम लोगों पर खुश हैं और हम लोगों की पूरी आस्था है और जनता पर भी पूरा विश्वास है कि जनता इस बार सिवान की विजय लक्ष्मी देवी को जिताएगी। देखा जा रहा है कि कई लोग अब भगवा के रंग में भी रंगने शुरू कर दिया है, तो क्या लगता है ये चल पाएगा? अरे जब इधर ओरिजिनल है ही तो डुप्लीकेट का कोई जगह है यहाँ? जब ओरिजिनल है, आपके पास कोई ओरिजिनल चीज हो तो डुप्लीकेट खरीदिएगा। सब सिवान की जनता जानती है, लेकिन हाँ ये बात सच है कि भगवा रंग ने लोगों को मजबूर कर दिया इसी रंग में आने के लिए। धीरे धीरे देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। स्थिति कितनी है, पहले क्या क्या लोग बोल रहे थे, आज भाषा बदल गई है लोगों की। लेकिन ये जान लीजिए सिवान की जनता जानती है कि वो भगवा नहीं है, वो AK-47 है। जनता इस बात को जानती है। इशारों में इशारा किया जा रहा है कि वो भी NDA को मजबूत करेंगे आगे जाकर। अरे कौन NDA का, NDA में कोई AK-47 वाला नहीं रहता है यहाँ, तो सब गांधी के विचारों पर और सावरकर के विचारों पर चलने वाले लोग हैं ना। ये AK-47 वाले थोड़े लोग हैं, जमीन के कारोबार करने वाले इधर नहीं हैं, यहाँ न्याय के लिए लड़ने वाले लोग हैं। और वहाँ अन्याय की सारी ताकतें हैं, अन्याय की ताकतों को सिवान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती है किसी भी कीमत। जनता जानती है कि सिवान में क्या क्या हुआ 2005 के पहले। भाजपा का झंडा तक टांगने नहीं दिया जाता था। भाजपा का झंडा टांगने के चलते ओमकार मल की हत्या किसने की, सब सिवान की जनता जानती है। और पाई पाई का हिसाब होगा इस चुनाव में। जो घमंड है, जो अहंकार जो वहाँ चल रहा है, सब अहंकार दूर हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप लोग। जय श्री राम। हम लोग ये तो हम लोग का BJP के गढ़ है एकदम। हम लोग नरेंद्र मोदी के लिए अपना पूरा निछावर कर देंगे। हम लोग एकता होकर, हम लोग दो नंबर के आदमी नहीं है, हम लोग धन से सब कुछ से हम लोग त्याग करके एकदम नरेंद्र मोदी के साथ हम लोग हैं। हम लोग पूरा से पूरा बहुमत से वोट यहाँ से सिवान से जीत कर सिर्फ जनसंपर्क करेंगे या बूथों पर भी लेकर? नहीं नहीं, बूथ घर से लेकर बूथ पर ले हम लोग संपर्क करेंगे। अरे जो सड़क पर लड़ता है ना, वही बूथ पर लड़ता है। सिवान के तमाम व्यवसायी, तमाम सम्मान। देखिए महिलाओं का नरेंद्र मोदी के प्रति आस्था बढ़ा हुआ है और महिलाओं को पता है कि नरेंद्र मोदी रहेंगे तो ही महिलाओं का अस्तित्व बचेगा और महिलाएं सभी क्षेत्र में विकास करेंगी।
इसलिए कहीं महिलाएं कहीं नहीं जा रही हैं, दिशा भ्रमित नहीं हो रही हैं। महिलाएं बढ़ चढ़ करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार एनडीए को ही जिताना है, पूरा सपोर्ट करना है। क्या लग रहा है सारे महिलाएं इस बार एनडीए की हाँ हाँ एकदम एकदम विजयलक्ष्मी जी को जिता के नहीं होगी। किस तरह से लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या बहुत उत्साह है यहाँ की जनता में, बहुत उत्साह है और सभी लोग हम लोग एकजुट हैं, एनडीए के सभी कार्यकर्ता और सब लोग हम लोग लगे हुए हैं और आज से हम लोग जो है डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू किए हैं। महादेव शिव मंदिर से पूजा करके शुभारम्भ कर दिया है। युवा है और युवाओं को जोड़ने के लिए किस तरह से कर रहे हैं? युवा तो जुड़ा हुआ है, युवा तो हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के जो जो काम है उससे जो है सभी वर्ग, युवा वर्ग, महिला वर्ग, किसान, सभी नौजवान, सभी लोग जुड़े हुए हैं। उनकी जो भी योजनाएं हैं सभी के लिए है, जन जन के लिए है, सभी लोग पार कर रहे हैं। बिल्कुल एकदम हम जीत रहे हैं, 400 पार हमारा नारा है, 400 पार मिल रहा है। लोगों का रुझान आप देख रहे होंगे, आज हम लोग भोले की नगरी महादेवा शिव मंदिर से निकले और निकलने के बाद हम लोग जो मोहल्ला में घुसे हैं तो देख रहे होंगे छतों से निकलकर महिलाएं और युवा नौजवान एक दूसरे मने देख के और प्रत्याशी हाँ प्रत्याशी के साथ जयकार भी लगा रहे हैं कि आने वाले 25 तारीख को हम लोग तीर छाप पे वोट दे के भारी मतों से विजयी बनेंगे। क्या लगता है जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना सहित कई योजनाएं लाई वही वजह है कि आज महिलाएं भी देख रही हैं? देखें प्रधानमंत्री के 10 वर्षों का काम बोल रहा है, महिला से लेकर युवा नौजवान तक जितना काम 10 साल में किया 70 साल में कोई नहीं किया था, उसको लेकर महिलाएं भी और युवा नौजवान भी देख रहा है नरेंद्र मोदी का हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। देखिए देश में विकास के पर्याय नरेंद्र मोदी और बिहार में विकास के पर्याय नीतीश कुमार के नामों पर लोगों का अपार जन समर्थन मिल रहा है। एक एक घर के महिलाएँ, बुजुर्ग, युवा सभी साथी हम लोग एनडीए के प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं और सिवान से विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी, ये सबका विश्वास और प्रेम बता रहा है। एक और जो टोली है वो भागवा रंग में वो भी दिख रहा है, भागवा बांध के, तो फिर लोग कैसे भ्रमित हो जाएंगे? देखिए भागवा तो इस देश का पहचान है, हर लोग इसको स्वीकार करने को तैयार हो चुके हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तो भागवा हमारा रंग है और हम पार्टी, हमारी भारतीय जनता पार्टी भागवा के लिए सदा ही लड़ी रही है, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही सब लोग रहेंगे। कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है? आज आज महादेवा शिव मंदिर से हम लोगों ने प्रभात फेरी का शुरुआत किया है सिवान शहर में और प्रतिदिन हम लोग शहर के किसी न किसी मोहल्ले में जनसंपर्क के माध्यम से, प्रभात फेरी के माध्यम से जनसंपर्क करने का काम करेंगे। क्या कहेंगे? आज नगर भ्रमण का कार्यक्रम था और आज महादेव के का आशीर्वाद लेकर हम लोग श्री गणेश किए हैं नगर में और हमें अपार जन समर्थन हम लोगों को मिल रहा है। सारे लोग एक स्वर से कह रहे हैं कि नहीं हम लोग मोदी के साथ हैं, हम लोग नीतीश जी के साथ हैं, हम लोग विजय लक्ष्मी जी के साथ हैं। आज कहाँ नगर भ्रमण हुआ है? आज महादेवा मैंने महादेवा में ही हुआ है, शिव मंदिर से निकल के अगल बगल के बस्तियों में हम लोगों का भ्रमण हुआ। रोज दौरा होगा? रोज प्रतिदिन, कल हमारा तुरहा टोली में होना है वार्ड नंबर 20 में। लोगों से क्या कहेंगे जो लोग भ्रमित हैं, भगवा पहन के भी लोग घूम रहे हैं? देखिए गिरगिट रंग बदलती है तो गिरगिट के रंग बदलने से कुछ होने को नहीं है, भगवा पहन लेने से भगवा मैं हो गए ऐसी बात है होती नहीं है। केवल चुनाव में दिखाने के लिए हम भगवाकरण अगर कर रहे हैं तो ये गलत परंपरा द्योतक है। महादेवा के शिव नगरी में से आज शुरुआत हुआ, बहुत जोरदार शुरुआत हुआ, शंकर भगवान के मंदिर से शुरुआत हुआ, हर हर मोदी, घर घर मोदी रहेंगे। सिवान की जनता कभी भी दिग्भ्रमित नहीं होगी और विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को 4 लाख से ऊपर बहुमत से विजयी बनाएगी और नरेंद्र मोदी जी के हाथों को दिल्ली में जाके विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी करेंगे। विजय लक्ष्मी जी चुनाव नहीं लड़ रही हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। विजय लक्ष्मी जी को जिताना और दिल्ली भेजना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जदयू कार्यकर्ता
और जो भी गठबंधन हमारे साथी हैं उनका कर्तव्य है और विजयलक्ष्मी जी का जीत सुनिश्चित है। नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करना है और सिवान का पताका दिल्ली में फहराना है। अच्छी बोल रहे हैं 399 रहेगा लेकिन सिवान एक तो दूसरा रहेगा। देखिए सिवान में हमारा लड़का है तो हम दूसरों को क्यों खिलाएंगे? हमारा लड़का है, हमारा लड़का है, हमारा परिवार का लोग है, हम लोग जीत के आएंगे और नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करेंगे और देश मजबूत होगा। विजयलक्ष्मी जी जाएंगी और सिवान की जनता का आवाज बुलंद करेंगी संसद में। आज एनडीए प्रत्याशी विजयलक्ष्मी जी का महोदवा में हर घर मिलने का कार्यक्रम हुआ है और हम लोग आग्रह करें कि आप लोग नॉमिनेशन में आइए और इस 4 तारीख को नॉमिनेशन में अपार एनडीए के समर्थन में अपार लोग आएंगे लोग और हम लोग फिर एक बार सिवान को भारी मतों से लगभग 2 लाख के वोटों से 2.5 लाख वोटों से जीत कर दिखाएंगे लोग और इस बार एनडीए पूरे पूर्ण बहुमत से 400 पार करके भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी और तीसरा बार देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। नगराध्यक्ष नगर आज हम लोग महादेवा शिव मंदिर से नगर में जो हम लोग का प्रभात फेरी निकलता है उसी के उपलक्ष्य में आज अपने एनडीए प्रत्याशी श्री विजयलक्ष्मी कुशवाहा जी के पक्ष में नगर के तमाम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं के साथ हम लोग आज नगर भ्रमण पर महादेवा शिव मंदिर से उद्घाटन किए हैं।